और रोटी में ऐसे डिप करने का, ऐसे मच्छी लेने का। सो फ्रेंड्स, ये एक बटा। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं मच्छी, तो चले वीडियो स्टार्ट कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये मछली है, इसको ब्रेड मछली कहते हैं। तो इसी को हम बनाने वाले आज, चलिए इसे कट कर लेते हैं। लहसुन और प्याज को छील ले रहे हैं, तो मैं प्याज कट कर रही हूँ, सालू डियर लहसुन छील रही है। आप भी आ जाओ, जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम लहसुन और प्याज को छील ले रहे हैं, उसके बाद मसाले पीसेंगे। बच्चे साफ हो रही है, मुझसे तो नहीं हुई, भैया साफ कर रहे हैं, यानी कि इनके पापा। आ गए क्या लेके? तो देखिए फ्रेंड्स, मछली साफ हो गई है, परी सौम्या लेके आ गई है। ये देखिए मच्छी साफ हो गई है, अब बनेगा। भाई रोना आ गया प्याज को करते देखो। प्याज कटती है खुद, रुलाती है सबको। हाँ यार, तो फिश किसको किसको पसंद है कमेंट में जरूर लिखिए। आंसू बहने लगा। चलो कोई बात नहीं, चलता है। सालू तो बहुत ज्यादा ही दे रही है, पर मुझे नहीं लग रहा है, मैं काट कर रही हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा, इन्हें लग रहा है। अमेजिंग ना। तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े बड़े प्याज कट कर लिए हैं छील के, और यहाँ से सालू ने अभी तीन बड़े बड़े यानी कि ऐसे लहसुन, ये देखिए गट्ठर हमारा, ये हमारे घर का है यानी खेतों से निकला है, तो ऐसे ऐसे ये तीन साफ करेंगी। हमारी फिश 1 किलो है, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, मिलते कुछ देर में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज मैंने इतना कट कर लिया था, जो अब इस क्रशर में मैं क्रश करने वाली हूँ। और मैं ससुराल जा रही हूँ, इतना लग गया मेरे को प्याज। और मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है, इन्हें ज़्यादा लग रही है। तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े बड़े प्याज लिए हैं क्रशर में। ये ससुराल है ना, इसीलिए इनको थोड़ा कम लग रहा है, मेरे को जाना इसलिए ज़्यादा लग रहा है। पॉइंट यार। तो हम लोग हंसते रोते खेलते बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है, कमेंट करके आप जरूर बताना। बस कर, अब कितना रुलाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज क्रश हो गई है, तो चलिए अब मसाला पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वो देखिए हम लोगों का सिलबट्टा, आंटी जी धो रही है उसे, साफ करिए। ये देखिए सिलबट्टा, लोड़ा इन्होंने फोड़ दिया है हमारा। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ सरसों के कुछ दाने, और इतना अदरक है 2 इंच, लहसुन है, और मैंने काली मिर्च, जीरा, बड़ी छोटी इलायची, लवंग, और ये खसखस है, और इसमें लवंग है, छोटी बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, इसका अच्छा सा मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। थोड़ा पानी डाल के पीस ले रही हूँ इसे, अब ये बन जाएगा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट नहीं बनाना है हमें, फिश के लिए बढ़िया सा पेस्ट बनाना है, यानी कि मसाला रेडी करना है। जल्दी 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 कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ। सर की छोरी आके गांव में मसाला पीस रही है। आप लोग बताइए गाइस, क्या मसाला नहीं पीसते हैं शहर की लड़कियां? क्यों नहीं पीसते हैं, बट कुछ तो अजीब लगेगा ना। तो
फ्रेंड्स मसाले पिसा गए हैं, तो चलिए किचन में। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी मछली है, 1 किलो है तकरीबन। मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा सा ही नमक हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और एक चुटकी तकरीबन हल्दी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और मेन इम्पॉर्टेंट हमारा लेमन जूस, इसमें नींबू का रस डालना है तकरीबन 1 चम्मच। नींबू के रस से तो एकदम डिलीशियस बन जाता है ये। और इसे मिक्स कर देना है और 10 मिनट के लिए इसे रख देना है ताकि मसाले इसके अंदर एकदम अच्छे से चले जाएं। तो इस तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, इसे रख देती हूँ मैं ढककर 10 मिनट के लिए। चलिए, तो कढ़ाई में तेल हो रहा है गरम। सो फ्रेंड्स, चूल्हे पर खाना बनाने का फायदा बहुत है। ठंडी आ गई हुई है, आज आप लोग सेक लो, जब भी करना है कर लो। सो गाइस, देखिए मसालेदार मच्छी तैयार हो चुकी है, अब चाची इसे फ्राई करेंगी। तो नहीं, सबसे पहले इस आटे में इसे कोट करना है कुछ इस तरह से, ऐसे। फिर यह झाड़ लेना है, इसे रख देती साइड में। इसको पाउडर लगा कर वाइट करना है। हाँ, पाउडर लगाना है, इसे मेकअप करना है इसका। फिर ये जाएगा कढ़ाई में नहाने, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। मेकअप करने के बाद तेल में नहाने जाते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म है, तो देखते हैं कढ़ाई गर्म हुआ कि नहीं। गर्म है, डालिए। तो हमारी तेल को धुआंधार एकदम गर्म कर लेना है भाई, सेफ्टी रखो, जल भी सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसे डालने के बाद साइड में हट जाना है वरना हम लोग को भी तल देगी ये। नहीं नहीं ना रही है एकदम। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए मच्छी को पलट ले रहे हैं आराम से। चलो थोड़ा तुम दूर हट जाओ नहीं तो जल जाओगी। ओके, कैमरा गर्ल साइड हो जाओ थोड़ा सा। तो इसे क्रिस्पी करारा कर लेना है। आप चाहे तो इसे तल के भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम खाओगी? नहीं। इसे क्रिस्पी करारा कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, पापड़ी की तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, फिश हमारी फ्राई हो गई है, इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, ये देखिए। और इसी तरह सभी फिशेस फ्राई कर ले रही हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सारी मछलियों में फ्राई कर ले रही हूँ, बाकी की यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी सारी मछली फ्राई हो चुकी है, हम इसे तरह निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे फिशेस फ्राई हो गए हैं, अब अच्छा सा मसाला तैयार कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें तेज पत्ता डाल दे रही हूँ और ये जो क्रश किए थे प्याज, ये भी डाल देना है। तो बड़े आराम से डाल दे रही हूँ। और कुछ लाल मिर्चियाँ हैं, इन्हें भी डाल देना है। तेल गरम था, मैंने उसी तेल में फटाफट डाल दिए हैं प्याज को। और अच्छा सा भून लेना है इसे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा सुनहरा हो गया है, तो इसे हम डालेंगे मसाले। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से सुनहरा हो गया, तो मैं इसमें अब मसाला डाल दूंगी जो हम लोग पीसे थे। डाल देना है तिलबट्टे पे जो मैंने मसाला पीसा था, इसको डाल दूंगी। और हल्का सा पानी डालूंगी इसके अंदर। तो मसाले की जो कटोरी है, इसको खंगाल के इसके अंदर डाल दूंगी। तो इसमें 1 चम्मच में हल्दी डाल दूंगी और यहीं पे मैं राजेश मसाला इसमें 2 चम्मच डालूंगी और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देना है, इससे कलर एकदम बढ़िया आ जाता है। तो 1 चम्मच मैंने इसे भी डाल दिया है।
तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे भून लेना है। ये वाप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसे धीरे धीरे भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक चुटकी मैंने इसमें रतन जोत डाला है, इससे भी कलर बहुत बढ़िया आ जाता है, तो देखते ही खाने का मन करता है। तो इसे भी डालिए आप भी, और इसे तब तक भूनना है जब तक मसाले अपना तेल ना रिलीज कर दे। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग मेरा मसाला भून गया है, तो अब इसमें डालना है पानी। ये देखिए, बाप की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो ये तले में पकड़ने लगा है, तो ये अच्छे से भून गया है। तो मैं तकरीबन इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो पानी, मोटा पतला आपको जैसा चाहिए। तो मैंने 3 कटोरी लगभग, मेरे घर में इतना लगेगा, तो मैंने इतना पानी डाल दिया है। अच्छा सा इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी जो करी है इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। ये सारी फिशेस हैं, जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है तो इसके अंदर मैं डिप कर दे रही हूँ। ये देखिए, तो ये फिश मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो इसके बाद हमें बस 5 मिनट के लिए और पकाना है, क्योंकि हमारी फिश तो ऑलमोस्ट पके हैं और मसाले भी हमने अच्छे से भून लिए थे। पक जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा, खाएंगे और क्या होगा। कैसे खाएंगे हम लोग? आई थिंक हाथ से खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फिश ऑलमोस्ट कुक हो गई है। लाजवाब, तो सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी फिश करी हमारी रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में क्या रहता है, टपाक से लाइक ठोक दो एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, फिश करी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। भाई हम तो जा रहे हैं खाने, और आप देखिए फ्रेंड्स, इस सालू इसे खाने जा रही है, खा के बताएंगी कैसा बना है। तो रोटी में डिप करिए सालू। ये रहा रोटी, और रोटी में ऐसे डिप करने का, ऐसे मच्छी लेने का। वाह! सो फ्रेंड्स, ये एक बाइट आपके लिए और एक बाइट मेरे लिए। सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी यम्मी, बहुत अच्छा बना यार। तो फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए ये भी मुझे कमेंट जरूर करें। तो बाय दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।